अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर धनवार बाजार में भाकपा माले की महिला अकाई एपुआ के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने मार्च निकाली, जिसका नेतृत्व एपुआ नेत्री जयंती चौधरी ने किया। यह मार्च भाकपा माले पार्टी कार्यालय से निकलकर पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए गांधी चौक पहुंचकर नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गया। मार्च में शामिल महिलाओं ने महंगाई और रसोई गैस की लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के साथ तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान एपुआ नेत्री जयंती चौधरी ने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, महिलाओं को केवल ठगने का काम किया है। निचले स्तर पर महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप लोग जान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज रात भोपाल में हम लोग यहाँ 100 की संख्या में महिलाएं जुटी हुई हैं और इस हम लोग पूरे धनवार बाजार में भ्रमण करते हुए आज हम लोग यहाँ झंडा चौक पर आए हुए हैं। आज आप लोग जान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में देखिएगा कि पूरे सरकार मन बहुत तरह की लुभावनी बातें करती है कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे, महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, महिलाओं के बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अखबारों तक ही रह जाता है, महिलाओं को नीचे कुछ नहीं मिल पाता है। लेकिन महिलाएं आज आधी आबादी की, पूरे देश की आधी आबादी है और अपने अधिकारों को लेना जानती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी वहीं से शुरू हुआ था। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए, अपने बराबरी की आज़ादी के लिए लड़ना संघर्ष 100 साल पहले शुरू किया और आज वही हम लोग दिन देख रहे हैं जो इतिहास में महिलाएं हम लोग के लिए लड़ी। आज हम लोग सर उठा के चल सक रहे हैं, रोड पे चल सक रहे हैं, शिक्षा की आज़ादी हम लोगों की है। आज वही संघर्ष महिलाओं के बदौलत आज हम लोग यहाँ तक गुजरे हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में महंगाई किस तरह से चरम सीमा पर आ गई है। डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, इसकी मार जो है महिलाएं झेल रही हैं। आज आप देख रहे हैं पूरा देश, आज कृषि कानून बिल जो तीनों लाया गया है, इसकी कृषि कानून बिल अगर पास हो गया तो ये महंगाई जो है चरम सीमा को पार कर देगा और इसका मार लगभग महिलाएं ही झेलेंगी। आप महिलाएं भी यहाँ किसान हैं और हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस प्रोग्राम को करते हुए हम लोग 15 मार्च को भी विधानसभा में हेमंत सरकार को भी घेरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज़, राजधनवार।